এবং প্রশ্ন থাকে অতি সংক্ষেপে রাখার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, যাতে অধিকজন এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। আমাদের কার্যকর্তা বন্ধুরা আপনাদের কাছে আছে, মাইক্রোফোন নিয়ে হাত তুলবেন এক এক করে আর রাখবেন। নাম বাতানা পেলে পার্থ প্রতিম পাল, मैं प्राध्यापक हूँ एक विश्वविद्यालय में गीति विभाग का, और उन पूज्य सरसंघ चालक जी को मेरा शस्त्र प्रणाम। बहुत सारे क्वेश्चन मन में था तो मिल गया, लेकिन एक क्वेश्चन है कि मनुस्मृति का याद आया कि वेर वीमेन आर वर्शिप अर्पण अवंत देवन गॉड वेल्स देयर। बंगाल में अभी एक जो लेडी डॉक्टर का जो सामूहिक बलात्कार हुआ और जो हत्या हुआ, as a father of a daughter, so I am shocked and horrified. So I am not sure whether my daughter is safe in this part in Bengal. So that also has shocked the conscience of the collective conscience of Bengalis. But ये जो movement हो रहा है apolitical, मेरा जिंदगी में मैंने इतना spontaneous all participatory नहीं है। इसी संदर्भ में ये बंगाल का एक सब सबका मन का बात है कि बंगाल में या गवर्नमेंट तो आते नहीं यहाँ का, तो राष्ट्रपति शासन अगर लागू होगा तो अच्छा होगा। तो इसी इन दिस कॉन्टेक्स्ट संघ का राय क्या है और ये क्या होना चाहिए, और संघ का या बोलने का ये जुरिस्डिक्शन के बाहर है कि नहीं है, इसी सब क्वेश्चन। तो ये निर्णय तो सरकार का होता है, संघ का नहीं होता है। आप सब लोगों को लगता है, संघ को भी लगता है, लेकिन क्या करना निर्णय तो सरकार का है। हम ये कहते हैं कि ऐसी घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं बंगालियों में बहुत शॉक है, केवल बंगालियों में नहीं पूरे भारत में है, और केवल आज हुआ है ऐसा नहीं, ये हो रहा है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसलिए कड़ा कानून वगैरह वगैरह सारा करना है। जो कोई मेजर सरकार लेगी उसको हमारा समर्थन रहेगा। तो अपनी मांग है उसको उजागर करना चाहिए, बोलना चाहिए, निर्णय सरकार करेगी। लेकिन ये सब हम क्यों कह रहे हैं, हमको ये चाहिए कि ऐसी घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जो हुआ है उसके पीछे जो सब लोग हैं उन सबको उनके अपराध के अनुसार शासन होना चाहिए। हमारे यहां एक सीता के अपहरण से रामायण हुआ, एक द्रौपदी के वस्त्र तो हाथ लगा तो महाभारत हुआ। ऐसे देश में ये मातृशक्ति की स्थिति ये ठीक नहीं है, इसलिए होना चाहिए। लेकिन केवल यहाँ बात रुकती नहीं, हमको और आगे जाके ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। मातृवत परदारेशु, ये जो दृष्टि है आंखों की ये बदल गई है आज, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। संस्कार, बच्चे मोबाइल में क्या क्या देखते हैं आजकल, जो विज्ञापन आते हैं उसमें क्या क्या देखते हैं, वो देखना कंपलसरी नहीं है। इससे समाज को कैसे बचाना, एक बात समाज के संस्कार को सुधारना, बचपन से उनकी दृष्टि ठीक करना। उनकी दृष्टि ठीक रहे ऐसा चित्र हमारा भी होना चाहिए। दूसरी बात है कि इतना बड़ा समाज है, जहां जहां समाज ध्यान रख सकता है, निगरानी रख सकता है, वहां निगरानी रखनी चाहिए। हम स्वयंसेवकों को ये कहने वाले हैं कि जहां जहां आप है और थोड़ा बहुत सामर्थ्य है, जितने एरिया में आप महिलाओं को सेफ कर सकते हो सेफ करते रहो। और तीसरी बात है, महिलाओं को भी स्व संरक्षण क्षम बनाना चाहिए। उसके लिए हमारे संचक विद्यालय परिषद में काम करते मिशन साहसी नाम का उपक्रम उन्होंने किया और डिफेंस स्किल्स सिखाई, हजारों की संख्या में लड़कियों को सिखाई। ये सब चलते रहना चाहिए। समाज को भी कुछ उपाय करने पड़ेंगे, तो वहाँ हम सबका अधिकार चलता है, वहाँ हम जो करेंगे वो होगा, वहाँ हमको सक्रिय होना चाहिए। और सरकार ने जो करना चाहिए ऐसा हमका लगता है, हमको बताना चाहिए, बोलना चाहिए। उन मांगों को भी संघ का समर्थन है, और सरकार जो एक्शन लेगी उसमें भी हमारा समर्थन।